मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा था आहुक। आहुक और जो आहुक हुए थे इनके पुत्र पैदा हुए थे उग्रसेन और देवक। उग्रसेन मथुरा के राजा बने और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। बहुत सुंदर थी पवन रेखा, सुंदर तो थी लेकिन इसके विचार भी बहुत सुंदर थे पवन रेखा के। सुंदर होने के साथ साथ विचार भी सुंदर। वैसे सुंदर आदमी में विचार उसके सुंदर नहीं होते, जो ज्यादा सुंदर होता है उसके विचार अक्सर ज्यादा सुंदर नहीं होते, हमेशा गलत ही होते। तो ये पवन रेखा सुंदर बात थी लेकिन सुंदर होने के बाद बाद में भी इसके विचार सुंदर। और इसका एक नियम था पवन रेखा का, क्या नियम था? जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के दर्शन करती थी और पति के पैर छूती थी, तब घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पैर छूना, उसके बाद घर में जो भी काम है उसे देखना। क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहने बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? सबई छूती है। अब तो पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम नहीं है, जो किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो पति के पैर छुए जाए। इधर यही नहीं पता चलता कि सूर्य मोदे नाय मोदेता से पहले ही सोए गए और सवेरे छह छह दाव जगाओ तब तनक आंखें खुलती है। वो आंखें खुली जाए तो पति के पैर कान नसीब में भाजे के शीशा उठाते सोतम बिंदिया तरह चली गई जा रहा है। फर्क आ गया है, अंतर आ गया। पहले की पत्नियां जो हुआ करती थी, एक कभी ये कहता है ये अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आजकल न मानती हो औरत अपने पति को, मानती तो है लेकिन अब मानती है थोड़े समय तक, गिने चुने दिन तक के, बोले कब तक के, बोले तब तक के, जब तक के। आज की स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती हैं तब तो बहुत मानती। दो चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक है? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहते है तब तक है। एक कवि कहता है अरे नारी प्रेम जब लो माने ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। आपने कभी देखा हो, अगर न देखा हो तो अब किसी दिन अजवास करके जरूर देखना। तुम बाहर से आ, पैसा पैदा करके ला, घर है घुसो तो अम्मा तो मोह की ओर ही देखते, बहुजे वह की ओर ही देखते। फर्क तो ही संजा को पैर दबाती जाए, अपने मन की काती जाए। देखो तो मैं इतने दिन बाद आए, अब आई कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए रहे।
इसका नियम था पैर छूना। और इन्हीं उग्रसेन के एक लड़का था जिसका नाम था कंस। और ये कंस बताया गया या